एमपीटी और नल और वाइड और जीरो सेट, इसका चार नाम है। एमपीटी कर सकते हैं, नल सेट कर सकते हैं, वाइड सेट कर सकते हैं, जीरो सेट कर सकते हैं। जब किसी सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो तो उसको हम लोग नल सेट कहते हैं। इस द सेट विच हैज नो एलिमेंट, जिसके पास कोई भी एलिमेंट ना हो, इज कॉल्ड नल सेट। कोई भी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम नल सेट कहते हैं। जिससे एग्जाम्पल है, द सेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर लेस देन वन। अब देखिए, लेस देन वन से कम कोई भी नेचुरल नंबर होगा? नहीं होगा। तो यह है जो नल सेट हो गया। कहता है कि एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन वन। लेस देन वन कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता, इसका मतलब सेट ए के पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो यह नल सेट हुआ। जिससे एक्स 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 इज होल नंबर नंबर लेस देन देन जीरो। तो जीरो से कम कोई भी होल नंबर नहीं होता है, इसका मतलब बी है जो नल सेट हो गया। एक्स एक्स इज इंटीजर इंटीजर बिटवीन एक्स ग्रेटर देन वन एंड लेस देन टू। देखिए, वन और टू के बीच में कोई भी इंटीजर नहीं हो सकता है, यह नल सेट हो गया। एक्स सच दैट एक्स इज ब्रदर एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई इन गर्ल स्कूल। गर्ल स्कूल स्कूल में कोई भी किसी का भाई नहीं हो सकता है, तो यह नल सेट हो गया। नल सेट को हम फाई से डिनोट करते हैं। इट इज ए डिनोटेड डिनोटेड बाई फाई। नल सेट को फाई से डिनोट करते हैं, आ तो इस प्रकार से भी डिनोट करते हैं, इस प्रकार से। तो नल सेट उसे कहते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, इसको फाई से डिनोट करते हैं। तो कहे कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ नल सेट, तो क्या होगा? द नंबर ऑफ एलिमेंट एलिमेंट इन नल सेट इक्वल टू हमेशा जीरो होगा, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। अब
which of following example of null set? देखिए, set of odd number divisible by 2. तो दुनिया में कोई odd number नहीं है जिसमें 2 से भाग लग रहे, क्योंकि odd number का definition ही है कि जो number में 2 से भाग लगता है उसको कहते हैं, हमारे पास even number जिसमें 2 से भाग लग जाए उसको even number कहते हैं। तो कहता है set of odd number divisible by 3, दुनिया में कोई नंबर ऐसा ओड नंबर नहीं होगा जिसमें 2 से भाग लग जाए, इसका मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो यह हमारे पास सेट 2 होगा, नल सेट होगा, क्योंकि दुनिया में कोई भी नंबर ओड नंबर नहीं है जिसमें 2 से भाग लग जाए। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो नल सेट नहीं है, इवन प्राइम नंबर है। देखिए 2 जो है, 2 इज ए इवन एंड प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, इसका इस सेट में मतलब एक एलिमेंट हो गया, इस सेट में कौन एलिमेंट हो गया, 2, तो यह नल सेट नहीं होगा। एक चीज है नेचुरल नंबर लेस देन 5, देखिए इसमें भी एक नंबर हो गया, नेचुरल नंबर है 5 से छोटा और कहता है 7 से बड़ा, तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर ना है जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो, तो यह भी नल सेट हो गया। नो नेचुरल नंबर नंबर व्हिच इज ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन फाइव, ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं हो सकता जो 7 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो। देखिए हम देखते हैं इसे, ये 5 है और 7 है, तो कहता है कि 5 से छोटा तो इधर चलाया और 7 से बड़ा था इधर, तो इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो यह भी नल सेट हो गया। कहता है बाई ये पॉइंट कॉमन टू द एनी टू पैरेलल लाइन, अब देखिए पैरेलल लाइन कहीं नहीं मिलता है, तो इसमें कोई पॉइंट तो कॉमन होगा ही नहीं, तो यह भी नल सेट हो गया। फिनाइट सेट then number of elements of a set can be counted, उसको अगर आप counted कर सकते हैं, such set is called finite set, जिसमें आप नंबर ऑफ एलिमेंट को गिन सकते हैं उसको हम फिनाइट सेट करते हैं। जैसे एग्जांपल है, सेट ए है, इसका एलिमेंट 2, 4, 6, 8, 10 है, तो इसमें आप एलिमेंट गिन सकते हैं, कितने एलिमेंट है, इसको एन ए से लिखते हैं। देखिए एन ए इसमें कितना हो गया, 3, 2, 5 को एलिमेंट है, तो इसको गिन सकते हैं, तो ये फिनाइट सेट है। अगर सेट बी इक्वल टू है 1, 2, 3, 4, 5, देखिए इसमें भी आप नंबर ऑफ एलिमेंट गिन सकते हैं, तो ये सेट में 4 एलिमेंट है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि फिनाइट सेट है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आप गिन सकते हैं उसको हम फिनाइट सेट कहते हैं, जिसमें सेट में आप गिन सकते हैं कितने एलिमेंट है उस सबको हम फिनाइट सेट कहेंगे। अब जैसे दूसरा है बी, कहता है x इज नेचुरल नंबर वेयर x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 10, इसमें भी आप गिन सकते हैं कौन कौन एलिमेंट होगा 2 से बड़ा नेचुरल नंबर, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7, 8, 9, तो इसमें एलिमेंट आप गिन सकते हैं कि एन बी कितना हमारे पास यहाँ है, 3, 3, 6, 7,
तो जिसमें एलिमेंट की संख्या गिना जा सकता है सबको हम फिनाइट सेट कहते हैं। द सेट इनफिनाइट सेट, फिनाइट सेट। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट इज नॉट काउंटेड, काउंटेड इज कॉल्ड इनफिनाइट सेट। जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं गिन सकते हैं इज कॉल्ड इनफिनाइट सेट, इनफिनाइट सेट। देखिए एग्जाम्पल है, सेट नेचुरल नंबर का सेट लीजिए, तो कहाँ से एक से शुरू होता है, कहाँ तक जाता है, इनफिनाइट तक जाता है, तो इनफिनाइट सेट हो गया। सेट ऑफ आप इंटीजर का लीजिए, तो कहाँ से शुरू होगा, डॉट डॉट माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर। देखिए इसमें अभी एलिमेंट आप नहीं काउंट कर सकते हैं, तो इनफिनाइट सेट हो गया। सेट ऑफ रियल नंबर, इसमें भी आप नहीं गिन सकते हैं, इसमें भी एलिमेंट जो है इनफिनाइट होता है। तो जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं गिन सकते हैं उस सारा इनफिनाइट सेट है। विच ऑफ फॉलोइंग सेट आर फिनाइट, सेट ऑफ द मंथ ऑफ ईयर। देखिए एक साल में 12 मंथ होता है तो आप उसको गिन सकते हैं, तो कैसा सेट हुआ, फिनाइट सेट हो गया, फिनाइट सेट। देखिए हमारे पास है एक दो तीन डॉट डॉट है, इसका मतलब एलिमेंट इन नहीं हो रहा है, तो ऐसा क्या होगा, ये इनफिनाइट सेट, इनफिनाइट सेट। देखिए यहां एक से शुरू हुआ 100 तक हो गया, तो इसका सेट का एलिमेंट कितना हो गया, 100 हो गया, इसका मतलब आप गिन सकते हैं, तो क्या हो गया, फिनाइट सेट, फिनाइट सेट। कहता है सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, ये भी आप गिन नहीं सकते। पॉजिटिव इंटीजर है 100 से बड़ा है, तो 101 102 ऐसा कहां तक चल जाएगा, इनफिनाइट जा सकता है, तो ये भी सेट हो गया जो इनफिनाइट सेट हो गया, सेट हो गया इनफिनाइट, इनफिनाइट सेट, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आप नहीं गिन, 100 से 101 से लेकर इंफिनिटी तक होगा। सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन, ये आप गिन सकते हैं। देखिए प्राइम नंबर है 99 से कम है, तो कहां कहां तक शुरू हो जाएगा, ये 39, 31, 32, 33, 37, 41, 43, 47, 51, 57, 52, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 89, 80, 89, 90, 7, इतना एलिमेंट है, तो इसको आप काउंट कर सकते हैं कितना सेट है, तो क्या हो गया, फिनाइट सेट हो गया, क्योंकि इसमें एलिमेंट हम गिन सकते हैं कितने एलिमेंट है, सिंगलटन सेट। ए सेट हैज ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट।
रिटर्न सेट। देखिए एग्जांपल, कोई अगर हमारे पास है ए इक्वल टू, मान लीजिए इसका एलिमेंट इसमें केवल एक एलिमेंट है, बी इक्वल टू दे दिया फाइव, इसमें केवल एक एलिमेंट है सिंगलटन, जिसका एन ए का वैल्यू वन आ जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट वन हो जाए, उसे सेट को हम सिंगलटन सेट कहते हैं। जैसे सी इक्वल टू यहाँ लिखा हुआ है पीएम ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, एसी होगा। डी यहां लिख दिया कोई, चीफ मिनिस्टर तो केवल एक होगा, तो ये सबसे सिंगलटन सेट है। पेयर सेट द सेट विच हैज ओनली टू एलिमेंट, जिसके पास दो एलिमेंट होता है उसको हम लोग पेयर सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कोई सेट ए है, इसमें होगा दो, अगर तीन है तो दो एलिमेंट है तो पेयर सेट कहलाएगा। बी है लिखा हुआ एक्स, सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन थ्री। तो बताइए थ्री से लेस कितना नेचुरल नंबर होगा, केवल एक होगा और दो होगा, यह हो गया पेयर सेट, जिसमें केवल दो एलिमेंट होते हैं उसे पेयर सेट कहते हैं।